अभी तुम्हें जरा कौन होस्ट है अभी? अरे सर अब आप बन गए हो। वापस बन गया ना, वर्चुअली से लैपटॉप ऑन हो गया तो मैंने वापस लॉगिन किया तो फिर वो वापस ले लिया। चलो खैर एनीवे, कितना भी ध्यान रखो वैसे मैं बहुत केयरफुली करता हूँ चीजें, बट फिर भी हो जाता है मिस्टेक, ध्यान नहीं दिया। चलो खैर एनीवे, सो दैट वाज अबाउट पावर बीइंग इक्वल। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन सिमिलर लाइंस, हमें इस ये जो क्वेश्चन है ये शायद तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा है ना, आई डोंट नो रेडियोएक्टिविटी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा होगा या नहीं, आई डोंट नो, बट हो सकता है कि रेट लॉज के ऊपर या केमिकल काइनेटिक्स में शायद पढ़ा होगा है ना। अक्षित इज आस्किंग कि क्या आपके पास लैपटॉप का बैटरी नोटिफिकेशन नहीं आता है? आता है, लेकिन मैंने देखा है कि वो ना आता है फिर उस समय जो है हम उसको वो कर देते हैं कि ओके लेट्स कंटिन्यू, सो दिमाग में कुछ और रहता है फिर बाद में भूल जाते हैं कि ऑन भी करना था। चलो खैर एनीवे, तो जो मैं कह रहा था इज दैट यू मस्ट हैव रेड अबाउट वो जो रिएक्शंस होते हैं जिसमें मान लो कोई ए रिएक्टेंट है, कुछ इस तरीके से समझ लो कि जैसे आई मीन अलग अलग तरीके से हो सकता है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज ए और बी रिएक्टेंट है और उससे एक सी प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है ना, और मान लो सी फिर से कोई रिएक्शन करता है और उससे डी प्रोडक्ट बनता है, समझ ले दैट, यानी यहाँ पे ए भी एक काइंड ऑफ स्टार्टर हो गया, फिर सी एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना, फिर वो रिएक्शन करके डी बन रहा है, तो दैट्स काइंड ऑफ आई मीन, तो यानी स्टेप स्टेज बाय स्टेज रिएक्शन जिसको हम लोग कहते हैं। आई एम श्योर इस टाइप के क्वेश्चंस कुछ किए होंगे, तो इफ दैट इज द केस देन मे बी यू हैव ऑलरेडी गॉट एक्सपोज्ड टू द क्वेश्चन दैट आई एम गिविंग यू अभी, एंड दैट इज कि सपोज एक सैंपल ऑफ रेडियोएक्टिव है मेरे पास, वो है एन नॉट और ये रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है ए, और इसका जो वो है सपोज है लैम्डा 1, ठीक है, और ये डीके करके जो बी बनता है दैट इज ऑल्सो रेडियोएक्टिव, सो ए एंड बी सपोज बोथ आर रेडियोएक्टिव, यानी जब ए से बी बनेगा है ना, जब ए से बी बनेगा तो ऐसे नहीं कि बी बनता जाएगा, नो बी भी डीके करना शुरू कर देगा। तो लेट अस से बी का जो है डीके कांस्टेंट सपोज है लैम्डा 2 या लैम्डा ए है ना और लैम्डा B. तो ये दोनों के डीके कांस्टेंट। सो व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग इज B का अमाउंट क्या होगा आफ्टर सम टाइम। A का तो पता ही है ना, A का तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन B के साथ क्या है कि B फॉर्म भी हो रहा है और B डीके भी हो रहा है, तो जो बचेगा दैट इज द अमाउंट दैट आई एम गोइंग टू गेट इट। तो यस गो अहेड ट्राइंग टू फाइंड आउट हाउ इज सीक्वेंशियल रिएक्शन। सीक्वेंशियल रिएक्शन तो पढ़े होंगे केमिस्ट्री आई एम श्योर, बट आई एम ओनली वंडरिंग कि सीक्वेंशियल रिएक्शन में कुछ मैथमेटिक्स भी पढ़ा है कि मतलब कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंस होंगे आफ्टर सम टाइम या कुछ इस तरीके से पढ़ा है? हाँ वही लग रहा था कि इसका तो बहुत लंबा एक्सप्रेशन आता है। हाँ सही बता रहे, इसका एक्सप्रेशन थोड़ा लंबा आएगा, तो इंटीग्रेशन वगैरह भी टफ आते हैं। अब चलो कोई नहीं, देखते हैं। So the question is find the number of particles of each after time t, ठीक है, एक काम करो, let's start with graphical analysis, एक काम करो मैथमेटिक्स अभी रहने दो, मैथमेटिक्स रहने दो, ओनली डू द ग्राफिकल एनालिसिस फर्स्ट, एन वर्सेस टी फॉर ए एंड एन वर्सेस टी फॉर बी, ए और बी दोनों का एन वर्सेस टी ग्राफ बनाओ जरा,
भेजना है ग्राफ, आई डोंट माइंड, 9555 वाले में भेजो अगर भेजना है, क्योंकि दूसरा वाला तो उस पे लगा हुआ है ना, क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग पे, इसका ग्राफ भेजो, कोई दिक्कत नहीं। सो बीबी टूट रहा है क्या? हाँ बीबी टूट रहा है हाँ किसी चीज में? बोला ना, बीबी रेडियोएक्टिव है और बी का ही तो बताया ना, बी का बताया ना, लैम्डा बी वो है, उसका डीके कांस्टेंट है, यानी बी ए से बी बन रहा है, तभी मैंने दिखाया ना कि ए से बी बन रहा है, और टी भी कुछ बन रहा होगा, सी में कन्वर्ट हो रहा होगा, आई डोंट, आई एम नॉट सो बदर्ड अभी, ठीक है ना। तो फाइंड करो, देखो क्या रहा? ओके, जय ने एक सेंड किए हैं, आई थिंक जय आंसर इज राइट, ठीक है ना, ठीक है। रोहन ने भी यही बताया, एंड दैट इज बी का जो है इंक्रीज होकर फिर डिक्रीज होगा, ध्रुव ने भी यही बताया, बी के ग्राफ में एक मैक्सिमा आकर गिरेगा, चलो बिल्कुल सही बात, यानी एन का तो इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट हैपेंस इन बी, ए डज नॉट गेट इन्फ्लुएंस, सो देयरफॉर ए का तो यही आ गया है ना, जो नॉर्मल होता है लैम्डा ए के हिसाब से, और बी का क्या होगा, जीरो से स्टार्ट होगा, एक मैक्सिमा आएगा और फिर ऐसे, इस तरीके से, तो ऑफ कोर्स देयर विल बी सम काइंड ऑफ अ मैक्सिमा। चलो ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द मैथमेटिक्स देन, है ना, ये तो थ्योरेटिकल ग्राफ हो गया, तो लेट्स ऑल्सो बिगिन द मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स याद है कि लाइक डी एन ए डी टी इज इक्वल टू माइनस लैम्डा ए इंटू एन, तो इसलिए डॉट 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 मैं लिख नहीं रहा हूं, एन ए इज इक्वल टू एन नॉट इंटू द पावर माइनस लैम्डा ए इंटू टी, ए में तो कोई गड़बड़ है ही नहीं, बी पे आते हैं, डी एन बी बाई डी टी क्या होगा, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए, मतलब सॉरी रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए जिससे कि बी बन रहा है, माइनस रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ बी, यानी रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए माइनस रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ बी, तो आई कैन राइट इट एज लैम्डा ए एन नॉट into e to the power minus lambda a t, ठीक है ना, minus lambda b into n b, I think that's okay, है ना, तो यानी अब मैं काम करता हूं, इसको लिख लेता हूं एज डी टी वाला एक्सप्रेशन उधर आ जाएगा, यानी इसको लिख देता हूं डी एन बी प्लस लैम्डा बी एन बी, ठीक है ना, एक्चुअली ना मैंने एक खिचड़ी क्या पकाया कि मैंने स्मॉल ए भी लिया है कैपिटल ए भी लिया है, बेस्ट
डी एन बी है ना प्लस लैम्डा बी एन बी डी टी इज इक्वल टू lambda a n naught into e to the power minus lambda a into t ये expression है ठीक है तो क्या कर सकते इसको एक काम करो lambda e to the power lambda b into t से minus वो कर देते multiply कर अगर मान लो मैं इसको e to the power lambda p से अगर मल्टीप्लाई करता हूं एन बी प्लस लैम्डा बी एन बी इंटू इट द पावर लैम्डा बी टी 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 इज इक्वल टू लैम्डा ए एन नॉट इट द पावर माइनस लैम्डा इंटू टी इंटू टी ठीक है ना कैन आई राइट दिस एज डी इंटू एन बी इंटू इट द पावर lambda b into t देख सकता हूं क्या क्योंकि n b आएगा into इधर का आ जाएगा lambda b into हाँ a आएगा is equal to ये आ गया lambda a into n not into इधर पर minus lambda into t into d तो अब जब मैं इसको integrate करूंगा दोनों side है ना अगर मैं दोनों साइड को इंटीग्रेट करूंगा ठीक है ना इन दैट केस क्या हो जाएगा एन बी इंटू ई टू द पावर लैम्डा पी टी इज इक्वल टू इसको इंटीग्रेट करूंगा तो एक माइनस लैम्डा ए नीचे आएगा ठीक है यानी आ जाएगा माइनस एन नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा ए टी ऐसे कुछ आ ठीक है ना प्लस सी ऐसे कुछ आ ठीक है एक बार चेक कर लो तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से तो मल्टीप्लाई कर दिया ऑलरेडी आई होप मैंने कुछ सबमिट नहीं दिक्कत नहीं कर लिया ठीक है ना ठीक है ना ठीक है तो अब एक काम करते हैं बाउंड्री कंडीशंस यूज करते हैं ठीक है अगर मैं बाउंड्री कंडीशन यूज करूंगा तो क्या आ जाएगा पहली बात तो एट टी इज इक्वल टू जीरो एन बी इज इक्वल टू जीरो तो टी इज इक्वल जीरो में पुट करता हूं तो ये जीरो हो गया तो इट दबा जीरो वन हो गया तो यानी एन बी इज इक्वल टू माइनस एन नॉट प्लस सी यानी सी इज इक्वल टू एन बी प्लस एन नॉट ठीक है ना एक बार चेक करो अच्छा नहीं नहीं सॉरी 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 इसमें दिक्कत है ना हमने यहां तो मल्टीप्लाई किया ही नहीं लैम्डा नॉट इधर वाला लैम्डा पी टी यहां पे भी तो मल्टीप्लाई होगा ये वाला यानी ये हो जाएगा लैम्डा पी माइनस लैम्डा ए लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए इंटू टी फिर तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा ना फिर ये आ जाएगा लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए तो बाय लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए और एक लैम्डा ए भी आएगा ठीक है ना यार
अगर मैं आप टी इज इक्वल टू जीरो पुट करता हूं तो इन दैट केस आ जाएगा एन बी इज इक्वल टू लैम्डा ए बाई सर माइनस साइन भी आएगा माइनस साइन इसमें यहां पे आएगा भाई कि लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए अब माइनस क्यों आएगा क्योंकि ये तो लैम्डा बी माइनस लैम्डा कर दिया ना लैम्डा बी माइनस लैम्डा है तो वो आगे लैम्डा बी माइनस लैम्डा है अब नहीं आएगा लैम्डा ए बाय लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए इक्वल नॉट प्लस सी वी आर एस सी तो सी आ जाएगा एन बी माइनस लैम्डा एक बार देख लेना मैथमेटिक्स बीच में गड़बड़ हुआ है ना इंटू एन नॉट ये आ गया सी ठीक है ना तो आई थिंक एक बार चेक कर लो फिर भी बट एक्सप्रेशन फाइनल ये आ रहा है एन बी का है ना एन बी का आएगा एन बी इंटू ई टू द पावर लैम्डा बी टी एन बी इंटू ई टू द पावर लैम्डा बी इंटू टी इज इक्वल टू लैम्डा ए बाय लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए तो लैम्डा लैम्डा ए बाय लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए ठीक है ना इंटू एन नॉट इंटू ए वाला पूरा लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए इंटू टी ये एक्सप्रेशन आ गया और प्लस सी में ही आ जाएगा प्लस सी इंटू सी आ गया एन बी माइनस ये वाला लैम्डा ए बाय लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए इंटू एन नॉट ऐसी कुछ एक्सप्रेशन आ रही है फिर भी चेक कर लो आई होप द एक्सप्रेशन इज करेक्ट एक बार चेक कर लो अक्षय सेठ की हाँ एन बी जीरो है इनिशियली ओह अच्छा अच्छा सॉरी 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 हाँ दैट्स राइट ये तो जीरो पुट करना था है ना ये तो जीरो पुट करना था बल्कि आएगा नहीं हाँ ठीक अच्छा ही बात तो नहीं और सिंपल हो गया सी इज इक्वल टू ईआर ठीक है ना यानी ईआर यस ठीक है ना तो दैट्स ऑल एनबी जीरो पुट कर दिया तो आंसर आ गया अक्षित से इसकी इसको याद कैसे करेंगे याद कर ये तो क्वेश्चन है ये कोई ऐसा नहीं कि कोई स्टैंडर्ड वैल्यू है जिसको तुमको याद करना है ठीक है ना सो द एक्सप्रेशन दैट टर्न्स आउट टू बी इज एनबी इनटू ई टू द पावर लैम्डा बी इनटू टी इज दिस अगर लैम्डा बी से आप डिवाइड कर लो तो दैट इज समथिंग दैट यू कैन डू है ना सो दैट यू कैन डू आई मीन फ्रॉम दिस इटसेल्फ तो एन बी इंटू इट लैम्डा बी टी अगर आ गया तो इट लैम्डा बी इंटू टी से डिवाइड कर लो दोनों तरफ तो इन दैट केस क्या होगा फ्रॉम दिस नाउ वी कैन गेट नाउ वी कैन ऑब्टेन एन बी और एन बी कितना आएगा एज आई सेड वो आएगा दिस इंटू इसमें से एक लैम्डा बी माइनस होगा और इसमें एक इट द पावर माइनस लैम्डा बी इंटू टी मल्टीप्लाई चलो खैर दैट थिंग यू कैन डू योर स्पेयर टाइम है ना तो लाइक इसको एक बार खुद से एक बार थोड़ा अच्छे से कर लेना बीच में थोड़ा गड़बड़ हुआ ना तो इसलिए मैंने एक्सप्रेशन ठीक से नहीं लिखा कोई बात नहीं तो दैट यू कैन आई थिंक यू डू योरसेल्फ तो व्हाट वी डू इज दैट वी कटेल द डिस्कशन हियर टुमारो वी विल कंटिन्यू एंड फॉर टुमारो यू ऑल्सो हैव द डेडलाइन फॉर दैट ऑप्टिक्स वाला असाइनमेंट तो उसको करके रखो ठीक है ना एंड अपलोड भी कर दो विद द वर्किंग ठीक है एंड लेट दैट बिकम अ हैबिट काइंड ऑफ सो दैट अच्छा ही होगा आई मीन यू विल आल्सो गेट सम प्रैक्टिस एंड आल्सो लिटिल बिट ऑफ इवैल्यूएशन की कितना कर रहे हो नहीं कर रहे ठीक है ना मोर विल आल्सो बी इन पाइपलाइन ठीक है चलो आज के लिए इतना ही फिर ठीक है ना थैंक यू सर ओके थैंक यू